Good morning, all of you. This is the class of MSc Semester 1, Zoology. Today we will be familiar with some larval forms of invertebrates. So, in invertebrates, what is larva first of all? Larva is the part of लाइफ साइकिल. अगर हम लोग देखते हैं बहुत सारे जो इनवर्टिब्रेट एनिमल्स में कि फ्रॉम एग, एग टू लार्वा, लार्वा टू प्यूपा एंड प्यूपा टू एडल्ट, ये एक साइकिल चलती है. ठीक है, ये कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस के साइकिल के अंदर लार्वा आता है. देयर आर टू टाइप ऑफ मेटामॉर्फोसिस, इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस एंड कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस. तो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस यू विल स्टडी इन सेमेस्टर 4 व्हेन यू विल गो टू द एंटोमोलॉजी, देन यू विल स्टडी इन डिटेल व्हाट इज द कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस. मींस द लाइफ साइकिल बिगिंस इन द एडल्ट, देन एगारलेट, एग इज मेटामॉर्फोस्ड इन टू लार्वा एंड लार्वा इज मेटामॉर्फोस्ड इन टू pupa and then pupa again forms the adult form. So this cycle is known as complete cycle. Aur isme to larva hota hai. So larva is a singular word. Iska plural word kya hai? Larvae hum log isko kehte hain. और लार्वा स्टेज वो क्या है, अभी मैंने बताया एक डेवलपमेंट, जो लाइफ साइकिल का डेवलपमेंट स्टेज है वो, इट इज वन ऑफ द स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ द many animals, not all animals, many animals occurring after birth or hatching and before adult form is reached. मैंने आपको बताया larva, pupa, egg, larva, pupa and adult. This is the complete metamorphosis. और जब incomplete metamorphosis में actually larva, pupa जैसे word नहीं आते उस. और एक बात और notice करने की है कि जो larva है that is बहुत आप देखिएगा कि that is differently, totally different from its adult form. वो adult आप जैसे butterfly देखिए, butterfly it's आप देखते हैं कैसा है, उसका लार्वा कैसा है, कैटरपिलर टाइप होता है, उसका प्यूपा स्टैग्नेंट स्टेज टाइप का होता है. तो दीज मतलब एडल्ट स्टेज से बहुत डिफरेंस होता है ये लार्वा में, और ये मैच्योर फॉर्म होता है. और वही आई एम टॉकिंग अबाउट द इनकम्प्लीट लाइफ साइकिल, उसमें एग से जो है निम्फल स्टेजेस फॉर्म होते हैं. यू विल स्टडी लेटर इन योर स्पेशल पेपर, बट इन शॉर्ट आई एम टेलिंग यू निम्फल स्टेजेस, दैट निम्फ 1, निम्फ 2, निम्फ 3, देर आर नो लार्वा एंड प्यूपा. और ये जो है, ये जो निम्फ्स हैं, दे रिजेंबल्स इन मॉर्फोलॉजिकली इन द एडल्ट, वो अपने एडल्ट से मॉर्फोलॉजिकली बहुत हद तक रिजेंबल करते हैं. तो हो सकता है उनमें मॉडिफिकेशंस कम होंगे, उनका डेवलपमेंट जैसे जेनाइटल ऑर्गन कम डेवलप हुआ होगा, बहुत सारे चीज कम होंगे, बट सुपरफिशियली और मॉर्फोलॉजिकली इफ यू सी इट विल सिमिलर टू द एडल्ट. तो इन इन कंप्लीट मॉर्फो लार्वा जो है वो कंप्लीटली डिफर करता है अपने एडल्ट फॉर्म से. ठीक है, दिस इमैच्योर एक्टिव फॉर्म्स, ये बहुत एक्टिव होते हैं. आप बहुत सारे में जैसे आप सिल्क वर्म का लार्वा देखिए, वोरेसियस फीड होते हैं, बहुत एक्टिव होते हैं. फॉर्म द स्ट्रक्चरली डिफरेंट, मैंने अभी जो बात बार बार कही, दीज आर स्ट्रक्चरली और मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट्स एंड आर एडेप्टेड टू अ डिफरेंट एनवायरमेंट, और एडल्ट से डिफरेंट एनवायरमेंट के रूप में एडल्ट एडेप्टेड होते हैं. इन सम स्पेसिस लार्वा इज फ्री लिविंग, बहुत सारे स्पेसीज में फ्री लिविंग होता है, और एडल्ट जो होता है वो नॉन मोबाइल होता है, लेकिन उसका लार्वा फ्री होता है. ठीक है, और हम तो इनवर्टिब्रेट्स में पढ़ रहे हैं. वर्टिब्रेट में एक एग्जांपल है पेट्रोमाइजोन का, हम लोग जब पढ़ते थे कि वो मेराइन है लेकिन उसका लार्वा फ्रेश वाटर है. तो ये अपने मतलब एडल्ट से हैबिटेट भी चेंज कर सकता है. This is not come under invertebrate, but just I'm telling you. In others, larva aquatic is aquatic and adults lives on land. Amphibia में जैसे देख लीजिए. In forms with non-mobile adults, जिसमें adult non-mobile है, the mobile larva increases the geographic distribution of the species. हाँ, ये point बहुत important है. अगर मान लीजिए adult non-mobile है, एक जगह से दूसरे जगह नहीं जाता, तो उसका dispersion रिस्ट्रिक्ट हो जाता है कि वो उसका डिस्पर्शन, लेकिन लार्वा जो उसके हैं वो मोबाइल है, तो लार्वा की वजह से वो दूरी तय करता है या अपना जो एरिया है उसको एक्सपैंड करता है.
तो सच लार्वा हैज बीन वेल डेवलप्ड, इसमें लोकोमोटर स्ट्रक्चर्स होते हैं, लार्वा समटाइम फंक्शंस एज अ फूड गैदरर इन मेनी स्पेसीज, फूड इकट्ठे करने के लिए जब बहुत फूड अबंडेंट में होता है तो उसमें वेल डेवलप्ड एलिमेंट्री सिस्टम होते हैं एंड स्टोर्स फूड सो दैट द ट्रांसफॉर्मेशन टू द एडल्ट स्टेज, एडल्ट स्टेज में ट्रांसफॉर्मेशन के लिए वो बहुत सारा फूड इकट्ठा करते हैं. सम लार्वा फंक्शन इन बोथ डिस्पर्सन एंड न्यूट्रिशन. अभी मैंने डिस्पर्सन की बात कही कि जिसमें एडल्ट नॉन मोबाइल होते हैं उसमें ये डिस्पर्सन में बहुत हेल्प करता है. द अमाउंट ऑफ टाइम इन द लाइफ साइकिल स्पेंड इन द लार्वा स्टेज वैरीज. कितना समय लार्वा रहेगा ये डिपेंड करता है स्पीसीज टू स्पीसीज में. किसी का बहुत लंबा लार्वल स्टेज होता है, किसी का कम होता है. सम हैव लॉन्ग लार्वल पीरियड्स, इधर हैचिंग अर्ली मेटामोरफोसिस या अर्ली मेटामोरफोसिस होता है, एडल्ट इनटू एडल्ट में लेट भी हो सकता है या दोनों हो सकता है. सम ऑर्गेनिज्म है शॉर्ट लिव्ड लार्वल फेज और नो लार्वा एट ऑल. बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में लार्वल फॉर्म, इसीलिए मैंने कहा सब में नहीं पाया जाता बट इन मेनी ऑर्गेनिज्म. तो लार्वी फैमिली अपीयर्स इन वैरायटी ऑफ फॉर्म्स. यू कैन सी, अगर आपको थोड़ा भी रिकॉल होगा, मैं सारा फाइलम के अलग अलग लार्वी का नाम बताऊंगी. तो यू हैव स्टडीड अर्लियर ऑल द लार्वा, यू हैव स्टडीड अर्लियर, तो यू हैव जस्ट टू रिवाइज इट एंड रिकॉल इट. तो मेनी इनवर्टिब्रेट्स जैसे निडेरियंस में सब हैव सिंपल प्लैनुला लार्वा, आपको याद होगा. फ्लूक्स में आप हम लोग मैंने पढ़ता थे ये लिवर फ्लूक में कितने सारे स्पोरोसिस्ट रेडिया लार्वा टर्सेरियर लार्वा ये सब याद कीजिए, सबका कितना डिफरेंट है. फ्लूक्स हैव सेवरल लार्वल स्टेजेस जिसमें पांच लार्वल स्टेज हम लोगों में फ्लूक्स में देखने को मिला था. एनिलिड्स में भी मिलता है, मोलस्क में, टीनियासोलियम में, इसमें ऑल यू हैव स्टडीड, यू आर फेमिलियर विथ ऑल ऑफ देम, यू हैव जस्ट टू रिकॉल इट वंस अगेन इन अ मतलब उसको पूरा एक ब्रॉड फॉर्म में यू सबको आपको एक साथ इकट्ठा करना होगा. बिकॉज यू हैव टू स्टडी इट एग्रीगेट, आपको पढ़ना लार्वल फॉर्म इन इनवर्टिब्रेट्स. यू कॉन्ट डिस्क्रिमिनेट, एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन बी अराइजेस फ्रॉम दिस क्वेश्चन, इट इज अ वेरी वास्ट क्वेश्चन. तो लार्वल फॉर्म्स फ्रॉम द वेरियस इंसेक्ट्स लाइक कैटरपिलर्स, आप जानते हैं अभी मैंने बोला था, ग्रब्स, मैगट्स एंड निम्स. निम्स भी एक तरह का लार्वा ही हुआ लेकिन वो इनकम्प्लीट साइकिल का हुआ, जो कि निम्स के बारे में बताया. ये निम्स जो है ये रिजेंबल करता है एडल्ट से. इकाइनोडर्मेटा में आप कितने सारे आप यू लार्वल फॉर्म इन प्रैक्टिकल यू हैव ऑल्सो स्टडीड. द लार्वा फ्रॉग इज कॉल्ड टैडपोल बट वी आर नॉट कंसिडर्ड हियर बिकॉज फ्रॉग इज एन वर्टिब्रेट, वी हैव टू स्टडी ओनली इनवर्टिब्रेट. तो द लार्वा अपीयर्स वेरी डिफरेंट फॉर्म ऑफ द एडल्ट. मैं बार बार आपको कह रही हूँ कैटरफ्लाई जैसे, बटरफ्लाई कैसा कितना अलग है, कैटरपिलर कितना अलग है और यूनिक उनका अपना बहुत सारे लार्वा का यूनिक स्ट्रक्चर भी होता है दे जो कि एडल्ट फॉर्म में नहीं मिलता है. और उनका जो खाने का है डाइट भी डिफरेंट होता है कि एडल्ट लीजिए दूसरा चीज पे फिट करता है और लार्वा जो है वो दूसरे चीज पे फिट करता है. और ये भी मैंने बाबी कहा कि उनका एनवायरनमेंट भी अडेप्टेशन अलग होता है, मे बी वो एडल्ट अलग फॉर्म हैबिटेट में रहता हो और लार्वा उसका अलग फॉर्म में रहता है. फॉर एग्जाम्पल सम टैडपोल लार्वा लिव्स ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली इन एक्वेटिक एनवायरनमेंट में. लेकिन ये फ्रॉग का बार बार हम सॉरी एग्जाम्पल दे रहे हैं यहाँ पे जस्ट टू बताने के लिए कि अलग एनवायरनमेंट में भी ये रह सकते हैं. अभी मैंने वो भी बताया कि ये फूड कंज्यूम करते हैं, फ्यूल मतलब एक ईंधन इकट्ठा करते हैं क्योंकि ट्रांजिशन है जो एडल्ट में लार्वा से प्यूपा, प्यूपा से एडल्ट में जो ट्रांजिशन है ये बहुत एनर्जी टेकिंग है तो उनको फ्यूल चाहिए, इसलिए वो बहुत सारे उसमें अपने इकट्ठा करके रखते हैं. सम लार्वे डिपेंडेंट ऑन एडल्ट टू फीड देम. बहुत सारे जैसे ये हाइमेनोप्टेरन्स स्पीसीज में ये हाइमेनोप्टेरा ये क्लास है इंसेक्टा का मतलब ऑर्थोपोडा फाइलम का. इसमें वो लार्वी जो है फीड कर फीमेल वर्कर उसको फीड करती है तो यहाँ ये एडल्ट पर डिपेंडेंट हो जाते हैं. ये सम आर एग्जांपल्स. ये एक वॉस्प है जिसमें मेल्स आर ऑल्सो कैपेबल, उसमें मेल्स भी लार्वा को फीड करते हैं. ठीक है, आप नियोटेनी में भी किसी नियोटेनी वर्ड आपने पढ़ा होगा, कहीं कहीं ये नियोटेनी शो करते हैं. अगर अनफेवरेबल कंडीशन होगा अभी एडल्ट में ट्रांसफॉर्म होने के लिए अगर फेवरेबल कंडीशन नहीं है तो वो उसमें वो क्या करते हैं ये क्योंकि लार्वा आर वो
उसके जो लाइफ साइकिल में वो इमेच्योर स्टेज है, तो उसमें वो सेक्सुअली रिप्रोडक्टिव नहीं होता है। बहुत जगह ये लार्वा सेक्सुअली मैच्योर होकर न्यूटनी भी शो कर सकते हैं। हाँ, अब बस दिस पार्ट ऑफ द किंग मैं स्टार्ट करती हूँ पोरीफेरा से। पोरीफेरा के लार्वा में साइकॉन में आपको याद होगा एम्फीब्लास्टुला, ल्यूकोसोलेनिया में पैरेन्काइमुला, और हायर स्पंजोज में रैगोन। रैगोन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम भी मैंने पढ़ाया है आपको पार्ट वन में, उसमें ये एक है। तो ये पोरीफेरा में हमको तीन तरह के लार्वा है। तो क्वेश्चन शुड बी अराइज फ्रॉम एनीथिंग कि पोरीफेरा का अगर लार्वल फॉर्म होगा, इट मे बी नॉट अ बिग क्वेश्चन, बट बिकॉज यू हैव स्टडीड दिस फॉर्म, तो ये आपका तीन फॉर्म आता है पोरीफेरंस के अंदर में, एम्फीब्लास्टुला, पैरेन्काइमुला एंड रैगोन। निडेरिया में हम लोग जाएंगे, ऑरिलिया और ओबिलिया ये आप याद कीजिए, इफायरा लार्वा वेरी इंपॉर्टेंट, प्लानुना लार्वा, हाइड्रा टूबा, ये सब आपका पढ़ा हुआ है। एंड ओबिलिया में प्लानुला लार्वा है, एंथोजोआ में सेम्पर्स लार्वा है। शायद ये आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, लेकिन ये दीज टू वर्ड्स आर फेमिलियर बिकॉज दीज टू आर द पार्ट ऑफ द सिलेबस ऑफ योर पार्ट वन ऑनर्स। तो निडेरिया में इफायरा, प्लानुला, ये सारे लार्वा सब सबसे फेमिलियर है। I think you go through once I'm giving the name of all the larva from your book in your from in previous invertebrate book, you just go through these larva one time and recall it ki phyra larva mein kya tha, tinophora mein cedipid larva hota hai, platyhelminthes mein wahan pe bhi bahut sara humne bataya tha, abhi humne naam liya platyhelminthes mein cysticercus, hexant, ऑन्कोस्पोर, टेपवर्म में ये सारे ब्लैडर वर्म, सीडीपिड लार्वा, ये सब आपसे फेमिलियर है। ठीक है, फैशियोला में तो लार्वा पे पूरा एक क्वेश्चन ही आता है, लार्वल फॉर्म्स या लाइफ साइकिल आप इसका लिखते हैं तो स्पोरोसिस्ट, रेडिया, मेटासर्केरिया, सर्केरिया, मिरासीडियम। एक्चुअली दिस आर नॉट अरेंज्ड इन अ, इसको अरेंज कर लीजिएगा आप लोग, ये अकॉर्डिंग टू लाइफ साइकिल ये अरेंज नहीं है। पहले मिरासीडियम होता है ये नंबर वन पे, फिर ये नंबर टू पे होता है, थ्री फोर फाइव ऐसे करके। एनीवे दीज यू आर फेमिलियर विद दीज लार्वा। इंटरबुलेरिया में बुलर्स लार्वा, ये प्लैटीहेल्मिंथेस के लार्वा हैं। निमेटीहेल्मिंथेस में हुकवम में फाइलेरिया फॉर्म लार्वा होता है, वुचरेरिया बैंक में माइक्रोफाइलेरी, ये सब पड़ा हुआ है। एस्केरिस में जुवेनाइल या रैबडिटी फॉर्म लार्वा होता है, ये सब आपका पढ़ा हुआ है। निमेटीहेल्मिंथेस हो गया, अब उसके बाद एनीलिडा में आइए, इसमें आप ट्रोकोफोर लार्वा आपको नेरिस में और पॉलीबॉडीज में लोवेन लार्वा मिलता है, थोड़ा अब लार्वल फॉर्म यहाँ कम है। हाँ, मेन है आपका आर्थ्रोपोडा में, जो सबसे ज्यादा लार्वल फॉर्म होते हैं वो आर्थ्रोपोडा में है। स्क्विला में आपको एलिमा लार्वा, बटरफ्लाई या सिल्क वर्म में कैटरपिलर, प्यूपा इज नोन एज क्राइसेलिस। मैंने अभी बोला था ना लार्वा, प्यूपा एंड एडल्ट, तो कैटरपिलर होता है इसका लार्वल फॉर्म और प्यूपा को हम लोग क्राइसेलिस बोलते हैं। और फिर आप लेपस में नोप्लियस, साइप्रिस, ये सभी लार्वल फॉर्म, लार्वल फॉर्म इन क्रस्टेशिया एक्सक्लूसिवली, आर्थ्रोपोडा में नहीं, पर लार्वल फॉर्म इन क्रस्टेशिया में बहुत वैरायटी ऑफ लार्वल फॉर्म मिलते हैं, तो वो एक अलग से क्वेश्चन, हमेशा फुल क्वेश्चन अराइज होता है कि लार्वल फॉर्म इन क्रस्टेशिया। इन नेक्स्ट क्लास आई विल बी टीचिंग दिस लार्वल फॉर्म इन क्रस्टेशिया ओनली। हर्मिट क्रैब में ये है बीटल्स और हनी बीज के लार्वा को हम लोग ग्रब्स कहते हैं। ये अभी और है, देखिए पूरा आर्थ्रोपोडा का बहुत लंबा लाइन है। सिंपल क्रस्टेशियन में नॉपलियस है, रॉक लॉबस्टर में फाइलोजोमा लार्वा है, लॉबस्टर्स में साइजोपोड या माइसिस लार्वा, ये सब आप लोग क्रस्टेशियंस में पढ़िएगा, और रिगुलर लार्वा है। प्रॉन में ये एक बेटर एग्जांपल ऑफ क्रस्टेशिया, इसमें देखिए ये सारे लार्वल फॉर्म्स जो हैं ये हम लोग अभी एक एक करके नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। नॉपलियस, मेटानोपलियस, प्रोटोजोइया, जुइया, मेटाजुइया, माइसिस, ये सारे हम लोग पढ़ेंगे इसमें। और ये दीज आर द एक्चुअली दीज आर द ऑल्सो द पार्ट ऑफ योर प्रैक्टिकल क्लासेस, सो यू आर मच फेमिलियर विथ देम। प्रैक्टिकल में भी आपको ये सारा दिखाया जाता है ऑन द माइक्रोस्कोप, ऑन स्लाइड्स, एंड यू हैव टू कमेंट अपॉन इट। सेक्यूलुना में भी सेक्यूलुना इंटरना और सेक्यूलुना एक्सटर्ना करके है। तो आर्थ्रोपॉड में बहुत डाइवर्सिटी है लार्वल फॉर्म्स का। नाउ इन मोलस्का इट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट, ग्लोचिडियन लार्वा, टाइटोन्स और इंफिन्यूरा में, और
गैस्ट्रोपोड्स में आपको ट्रोकोफोर, ये दो लार्वल फॉर्म, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट आइए इकाइनोडर्मेटा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. होलोथुरियंस में ऑरिकुलेरिया, एस्टेरियसी, ये आप लोग देखे हैं, बाइपिनेरिया लार्वा. ब्रिटल स्टार में ऑफियोप्लूटस, इकाइनस में इकाइनोप्लूटस, एंटीडॉन में ये सारे हैं. दीज आर द आई हैव गिवन यू द, एक और ब्लाइनोग्लोसस होगा शायद, यस, हेमिकॉर्डेटा, बिकॉज द हेमिकॉर्डेटा इज ऑल्सो नाउ इन इनवर्टिब्रेट फाइलम, सो वी हैव ऑल्सो डिस्कस दिस. तो ब्लाइनोग्लोसस और टॉर्नेरिया, तो दिस इज द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द लार्वल फॉर्म ऑफ इकाइनो, सॉरी इनवर्टिब्रेट्स. इन दिस यू हैव गिवन अबाउट द स्मॉल ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द लार्वा एंड अगेन द फाइलम वाइज नेम ऑफ द लार्वा. तो इट डिपेंड्स ऑन योर क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन कैसे आता है उस पर डिपेंड करता है कि व्हाट इट इज आस्किंग. अगर वो एक जनरल क्वेश्चन पूछता है देन, और उसके बाद अगर कुछ एक उसमें टेल क्वेश्चन होता है जैसे डिफाइन लार्वल फॉर्म से नेक, देन यू हैव टू गिव ऑल द नेम्स इन टेबुलर फॉर्म. ये तो मैंने टेबुलर फॉर्म में ही बनाया, यू हैव जस्ट गिव यू दीज नेम्स एंड देन इफ स्पेसिफिक वो किसी के बारे में पूछते हैं कि क्रस्टेशियन लार्वा इकाइनोडर्मेटा, देन यू फिर वहां पे आपको स्पेसिफिक होना पड़ेगा. इम्पॉर्टेंस ऑफ द लार्वल स्टेज तो बहुत है, द इम्पॉर्टेंस ऑफ दे हेल्प इन द वाइड डिस्पर्सल ऑफ द स्पेसीज. अभी मैंने बताया कि अगर कोई मान लीजिए कोई एडल्ट नॉन मोबाइल है तो भी डिस्पर्सन थ्रू लार्वल फेज हो जाता है. तो लार्वल स्टेज हेल्प इन स्टेबलाइजिंग रिलेशनशिप्स बिटवीन वेरियस ग्रुप्स. और दूसरे इवोल्यूशनरी भी इसका एस्पेक्ट बहुत ज्यादा है कि बहुत सारे में अगर हम लोग इवोल्यूशनरी ट्रेंड पढ़ते हैं तो हम लोग को लार्वल स्टेज पढ़ के ही उनका इवोल्यूशनरी ट्रेंड्स पता चलता है. So these are the introduction or introductory part of the larva. In next class, we will study about the larval forms in crustacean. So thank you all of you.